जब भी आवाज लगाता हुए चूतिया कहीं का हुए बोलता है पटवार में झरा फेरे से आओ उसे सत्ता करके आओ मेरे तरफ। अरे की हमरो के लगने असुतली यमा बेतरार पाती के अब ज्यादा तुम जले हुए पे नमक छिड़कता है बढ़िया ना समझो ना बता मैं तुम्हें जब भी बुलाता हूँ तो हुए करके वो आता है उधर से क्या मैं कुत्ता हूँ रे ना हम कुत्ता को बोल बैठ गया हूँ हरम जाले महामंत्री तुमने जैसा सलूक करने के लिए बोला पिताश्री के साथ क्यों ना मैं वैसा ही सलूक किया लेकिन पिताश्री का कहना हुआ जब तक मैं सीमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा तुम्हें राजपाट बांट करके नहीं दूंगा। दादा श्री राजपाट बांटने से इनकार है बिल्कुल इनकार चला गया अगर महाराज इनकार है अभी भी क्या बिगड़ा है क्या बिगड़ा है अभी भी आप दारू शराब छोड़ सकते हैं अभी मौका है। हरम जाना तूने दारू शराब पीने के लिए सिखाया और गाछ पे चढ़ा के पीछे से छोड़ मारता है इधर सुनिए ना दारू शराब आप नहीं छोड़ेंगे महामंत्री अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसके लिए दूसरा रास्ता है क्या है समय से दारू मिलेंगे मिल जाएगा पहले बताइए इस समय टाइम कितना हो रहा है महामंत्री टाइम तो अभी बहुत निश्चित अगर रात है और अभी 4 बजने वाले में से है इस समय दादाजी दही चूरा खा के महल में भोजन में बिल्कुल पेट भर के दही चूरा खा के सो गया होगा महल में जाकर के सोया है इसी समय आप एक बार फिर जाइए दादाजी के पास बताइए बार बार दादाजी के पास क्या करेंगे वहां जाके अगरबत्ती जलाएंगे हर वक्त ना मटका अगरबत्ती जलाइए कहीं ना समझ रहा हूँ बताओ जैसे आप यहाँ से जाइएगा दादाजी का माल में डायरेक्ट आप हत्या कर दीजिए बता रहे हरम चाले भाई तुमसे दारू पीने के रास्ता खोल रहा और तुम पिताजी का हत्या करने की बात कर रहा है पिताजी को हत्या करने से इस महल में इस राज में दारू का ठेका खुल जाएगा दारू का ठेका हाँ टाइम टाइम से दारू मिलेंगे वो कैसे जैसे महल में दादाजी का हत्या हो जाएंगे उस हत्या के अंजाम में बड़े महाराज को फंसा दीजिए हत्या के जुर्म में बड़े भैया को और निकाल दीजिए महल से बाहर हाँ। आप इस राज का इकलौता राजा बन जाएंगे क्या आप जो चाहेंगे वो होगा वही होगा अरे किसी उंगली को जिधर घुराएंगे इस उंगली के सारे पूरे पर जाकर घूरेगा जी महाराज महामंत्री आज हमें यकीन हो रहा है आज तूने जिंदगी में पहली बार मेरे साथ अकलमंदवाज हुआ है तेरा कहने से दो मंजिलों में पड़ला छे हम तो महामंत्री पिताजी को हत्या करने के लिए जाएंगे हाँ पिताजी तो अभी हट्ठा कट्ठा है अभी बहुत आपसे हट्ठा कट्ठा है वो अकेले सफर में नहीं देगा बुड्ढा हम कदम जी हाँ चलो यहाँ से हम दोनों मिलके चलते पिताजी के पास किस लिए इसलिए कि तुम दोनों पिताजी को जकड़ के पैर पकड़ लेना पैर पकड़ लेंगे हम दो चार फाड़ देंगे अरे तो राजा दिग्निशोर रे
इधर सुनिए ना, हम इन नोक मुंह भगवाने के लिए वहां नहीं जाएंगे। लेकिन महामंत्री, हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने कहा करते हैं कि राह बता तो आगे चल, आगे चल। जब तुम हमें ऐसा रास्ता दिखा रहा है तो मेरे साथ जाने से डरता क्यों अरे? आगे उतरा हमरे नोक चल का जा, नोक भंग मुंह पुरवा के हमरे। अरे मैं तुम्हें भाव बता रहा हूँ। हाँ भावे बतावे मैंने नोक साहब। लेकिन महामंत्री, इस समय हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा, आपको हथियार देंगे। हत्या करने वाला तुम्हारे पास हथियार भी है? हाँ, बढ़िया से बढ़िया हथियार। क्या 6 इंची का है? 6 इंची पूर्वा की बताओ। 9 इंची का? 9 इंची ऊपर में रह जीता। 12 इंची का है? ना, फटफुट वाला है। फटफुट वाला दीपावली का है। मेरे पास महाराज वैसा हथियार है। कैसा हथियार है? इसका कि नाम आपका खानदान नहीं सुना होगा। खानदान यहाँ क्या करने के लिए आएगा? हाँ, कौन से खानदान मास्टर साहब? खानदान कौन से? बेताली है ना? देखेगा तू। इधर सुनिए ना, वैसा हथियार है महाराज। हथियार है? हाँ। क्या है हथियार? उस हथियार का नाम है आप। हाँ। अच्छा, डायरेक्ट मेरे तरफ लगाएगा? तो भाव बता रहे हैं। भाव? हाँ। अरे भाव बताना है तो उधर बता, अच्छे अच्छे कैमरा लगाए गुलशन में जी। बोलो तो राज भाव होना मत। महामंत्री, ये हथियार का तो मैं कभी नाम नहीं सुना हूँ। बात कर, यहाँ पे तालिया बाबू ने देख लो था। तो महामंत्री, सब पहले ला तो हथियार को देखेंगे। हथियार देख कर भगवो ने ना रे फील्ड खाली। अरे हत्या होगा पिताश्री का? अरे हम तो भाई मेरे। फील्ड खाली नहीं होगा, फील्ड खाली ला पहले देखेंगे। डर से? हाँ नहीं डर से भागेंगे। अभी हम आ रहे हैं, जा सकते हो। भागे जी बताओ, साले चूतिया कहीं का काटेगा हमें क्या रे? आए ये इनाबो तोरा कह रिया पहले डरोस्ता भागियो ना। तोरा इसी हथियार का नाम आप बच्चा पहले तोरा कल जो मोगी इतना डर झुकी हो रे? इसमें लेकिन धार कितना मोटा है? और धार है मोटा, इधर चढ़ाई कर। एक खाए तो हम तो गोल पीस बने जीवो। लेकिन महामंत्री, इस हथियार को चलाएंगे कैसे रे? चलाने से पहले नीचे जकड़ के पकड़ना है। क्या? नीचे जकड़ के पकड़ना है, उसके बाद डायरेक्ट करना है पीछे। डायरेक्ट उतना पीछे? इतना पीछे कि आगो ने नहीं तो आगो तो रहे खानदान का नंबर छो। जितना खींचे पीछे डायरेक्ट तो इसी तरह से हथियार को चलाना है। बचे गए नुनू किसको इसे लीजिए और इस समय जाइए आप। महामंत्री, मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास। पिताजी सो हुए में, सोते हुए में मैं उसे जगाऊंगा। आपको जो करना है आप जाइए, लेकिन आप पिताजी का हत्या कीजिए। ठीक है महामंत्री, कर देंगे, रास्ते कटा हो जाएंगे साहब। साहब दारू पीने से कौन बेटा रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा हमें, किसी का मनने नहीं देंगे। आप एक पे तो हम तीन पे। तीन पे तो हमारा बाबू लागू नहीं करते पैसा हो। महामंत्री, एक पे तो हम तीन पे। ठीक है, तुम्हें बेसी मिलेगा। हाँ इसलिए हम खटेंगे तब ना। आप जाइए महाराज, हम जा रहे हैं। महामंत्री जाए यहाँ से तुम गेट पर। क्यों ना, अभी सुबह का टाइम है, कोई आदमी इधर उधर करे पिताजी को हत्या करते वक्त तुम हमें मिस कॉल मार देना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मिस कॉल? हाँ क्या नाम मारो मिस कॉल? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जाइए। ठीक है जाओ। प्रणाम। खुश रहो। डबल प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम है प्रणाम। अरे खुश रहो, जाओ से कितना प्रणाम करेगा यार। बराबर प्रणाम। अरे जाओ यहाँ से। हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिताजी के पास, और पिताजी को सोए हुए में मैं उसे जगाऊंगा, और जगा करके मैं उसे समझाऊंगा। कहीं मेरे बातों पे यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना उस बुड्ढे के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है मैं वैसा ही सलूक करूंगा। हाँ मैं यहाँ से
यात्रा करता हूँ पिताजी के पास जाने का।